अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहने वाले बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी के सांसद कंगना रनौत के विवादास्पद कृषि कानूनों की बहाली की वकालत करने के लिए मुखपत्र के रूप में नियुक्त करने की पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मंगलवार को कड़ी निंदा की है। बाजवा ने कहा कि भाजपा अपने किसान विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने सरकार से इस पर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा। बाजवा ने टिप्पणी की कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार अपने मंडी सांसद द्वारा दिए गए बयानों के पीछे नहीं खड़ी होती है तो उसे उनके खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करनी चाहिए। कंगना रनौत ने लगातार किसान समुदाय को निशाना बनाया है जबकि भाजपा मूक दर्शक बनी हुई है। यह कोई संयोग नहीं है कि यह एक सावधानी पूर्वक लिखी गई रणनीति है। श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि सांसद कंगना का यह विवादित बयान भाजपा के किसान विरोधी नीतियों को दर्शाता है। अगर भाजपा किसान विरोधी नहीं है तो इस पर पार्टी हाईकमान को तत्काल उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के कृषि कानूनों को लेकर बयान पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि कंगना नायक नहीं खलनायक है, उसे सीरियस नहीं लिया जाना चाहिए। वह हमेशा ही पंजाब व हमारे लोगों के बारे में विवादित बयान देती रहती हैं। हालात यह है कि भाजपा को खुद उनके बयानों से किनारा करना पड़ रहा है। डॉक्टर बलबीर ने कहा कि अगर कंगना के माता पिता किसान हैं तो वो भी अपने उनके बयान के साथ सहमत नहीं होंगे। कई लोग सोच समझकर बोलते हैं और कई लोग बोलने के बाद सोचते हैं, लेकिन कंगना इन दोनों कैटेगरी में नहीं है। वो ना तो बोलने से पहले सोचती हैं और ना ही बोलने के बाद। अब कंगना लोकसभा में सांसद हैं, उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब बात करते हैं कंगना की, तो इस विवाद के बाद अब आज कंगना ने मुद्दे को संभालने की कोशिश में अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।